हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुचिस्मिता। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रस। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मुरमुरे के लड्डू। देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए गुड़ और हमें चाहिए मुरमुरे जो रेडली अवेलेबल होता है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। कढ़ाई हम गर्म के लिए दे देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। हम इसके स्टीम को पूरा कम कर लेंगे अभी और इसमें हम ये जो हमारा गुड़ है वो हम डाल देते हैं। स्टीम हमें बिल्कुल कम में रखना है, नहीं तो ये गुड़ जल जाएगा। इसे हमें मेल्ट करना है अभी। इसे हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं और ये मेल्ट होने में हमें 4 से 5 मिनट टाइम जाएगा। डिपेंड करता है आप कितना इसमें गुड़ यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी। तो हमें बिल्कुल कम स्टीम में रखना है और उसको ऐसे हिलाते रहना है, कॉन्स्टेंटली ऐसे हिलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये गलने में काफ़ी टाइम लगता है। ये देखिए अभी ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है काफ़ी हद तक। तो हमें इसको और थोड़ा थोड़ा तोड़ देना है। आप चाहो तो आप ग्रेट करके भी गुड़ को डाल सकते हैं। मैंने ग्रेट करके नहीं डाला है, मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाल दिया है। अगर आप ग्रेट करके डालते हो तो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, पर वही बात है, ग्रेट करने में भी काफ़ी टाइम चला जाएगा। और थोड़ी देर इसको रखना है हमें। इस मोड़ पे आके हमें स्टीम थोड़ा सा बढ़ा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम में कर देना है। और ये इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें और गला देना है और पूरे कढ़ाई में करछी हिलाते रहना है कि इधर से भी जल ना जाए। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। देखिए ये अच्छा मेल्ट हो गया है अभी, पर हमें और इसको फुल मेल्ट करवाना है और 2-3 मिनट ये हो जाएगा। करीबन पूरे प्रोसेस को, फिर भी डिपेंड करता है आप कितना गुड़ ले रहे हैं, 6 से 7 मिनट लगता है इसको पूरा मेल्ट हो जाने के लिए। मेल्ट होने के बाद भी थोड़ा सा कलर चेंज होने के लिए भी हमें इसको कढ़ाई में रखना होता है। देखिए अच्छा ये हो गया है। और भी काफ़ी हद तक हमें करना है, 2 से 3 मिनट। ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ा सा और कलर इसका चेंज होगा और हम इसको उतार लेंगे। थोड़ा सा ये हमारा बन गया है। हम गैस को अभी ऑफ कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट हमें इसको ठंडा होने देना है। इसके बाद हमें इसमें मुरमुरे डाल देने हैं। हिलाते रहेंगे, 2 मिनट इसको ठंडा होने देते हैं। अभी 2 मिनट हो गया है हमारा, हम मुरमुरे ऐड कर देते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें मुरमुरे ऐड करना है, एक बार में पूरा नहीं ऐड करना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें देखनी है, जैसे हमें डो बनाते हैं आटे का, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी देख लेते हैं उसी हिसाब से हमें इसको बनाना है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ इसको, मिक्स करते रहना है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप इसको लड्डू बना सकते हैं। एकदम गरम गरम आप इसको नहीं बना सकते हैं, पर पूरा इसको ठंडा होने नहीं देना है हमें। इसको मिक्स करते रहे और मोटे इसमें जितना आपको लगे कि हो गया है उतने तक आप इसमें डालते रहिए। अच्छा
बन गया है पूरा। आप इसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए, हाथ में ऐसे डाल लीजिए और इसको छोटा छोटा करके या जैसा आपका साइज ठीक लगे ऐसा आप ऐसे गोल गोल करके रख दीजिए। थोड़ा सा फिर और हाथ में ले लीजिए और ऐसे गोल छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो वैसे साइज के आप कर सकते हैं। ऐसे मैं बना लेती हूँ इसको। ये देखिए हमारा मुरमुरे लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है। गोल 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 ऐसे बच्चों को ये बहुत पसंद आता है और बड़ों को तो पसंद आता ही है। आप इसको ज़रूर बनाइए और बना के हमें ज़रूर बताइए आपका कैसा बना है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना आपका। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको और भी इजी और डिलीशियस रेसिपीज सिखाने में। थैंक यू सो मच। दिस इज सुचिस्मिता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। वी विल बी फॉर श्योर मीटिंग विद यू विद मोर न्यू रेसिपीज। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे कीप स्माइलिंग।